10 साल पहले इश्कज़ादे फिल्म से एक गुंडे ने कड़क तेवर के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली और देखते देखते ये एक विलेन अपने फैंस के दिलों में राज करने लगे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बॉलीवुड अभिनेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर की, जो अपनी फिल्मों के अलावा मलाइका अरोरा के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी लाइमलाइट में रहते हैं। यूं तो अपने 10 साल के करियर में अर्जुन के हाथ में बहुत कम हिट फिल्में लगी हैं, लेकिन जो भी फिल्में चली हैं, वो अर्जुन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें टू स्टेट्स का नाम भी शामिल है। अर्जुन और आलिया की इस फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया था। आपको बता दें कि यही वजह है कि कुछ दिन पहले अर्जुन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो उन एक्टर्स के लिस्ट में आते हैं जिन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस किया है। खैर, ये बात तो हुई अर्जुन के बीते 10 सालों की। नया साल आने वाला है तो हम भी अर्जुन के नए साल की बात करते हैं। बात करते हैं कि आजकल अर्जुन क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल अर्जुन मल्टी स्टारर फिल्म कुत्ते के प्रमोशन में बिजी है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन से भरी इस फिल्म से अर्जुन को 100 करोड़ वाली उम्मीदें जरूर होंगी। हालांकि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की थी, पता नहीं था क्या होगा। आज 10 साल बाद I would like to take this opportunity, ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तब पहला लॉकडाउन चल रहा था और हमने बात चालू की थी। तो आसमान एंड विशाल सर, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड फ्रॉम देयर टू टुडे टू बी एबल टू जस्ट सी इट, आई एम अ लिटिल ओवरवेलम्ड बाय द फैक्ट कि ये फिल्म एक्चुअली हम अच्छी तरह बना पाए, इस तरह बना पाए। लव उसमें शामिल हुआ, लव फिल्म शामिल हुए, भूषण सर शामिल हुए, इतने सारे अच्छे एक्टर्स आए। एज एन एक्टर आई थिंक 10 साल बाद अगर मैं ये महसूस कर सकता हूँ दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ensemble एंड वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स, most of them for the first time, for me I think it's a very very big tick mark in my bucket list of being an entertainer and performer and the quest to be a better actor. You never stop learning in this profession. Success failure hamare haath mein kabhi hota nahi hai, lekin learning hoti hai. My choice to do this film was to get out of my comfort zone. Mainstream cinema aur off cinema aur ye sab cheezon se pare hatke, I just wanted to do something that really excites me and makes me nervous. I was very nervous about sharing screen space with such amazing actors and doing a film which is perhaps not as mainstream as what people are used to seeing me do. So I'm just really really happy and grateful that this film has become a reality, and the fact that I seem like I fit in the trailer really nicely with such good actors and I look the part. And full credit to Aasman for believing in me, for the way he designed the look, for the way he's made the film, and just having this amazing team. I think it was on my bucket list to have Gulzar Saab name attached to my one of my films, to have that, to work with Vishal sir, to be able to share screen space with Tabu, Konkana, Radhika, Kumud sir, Naseer sir, Shardul. For me, it's just, I think if I can sum it up, I think Kutte is a journey of 10 years of hard work to find my own groove and my own niche as an actor. So I'm really really proud and happy to do this film. वही फिल्म के जोरदार डायलॉग्स अभी से पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन फिल्म में अर्जुन ने क्या कमाल किया है ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते नए साल में 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म से अर्जुन को बहुत उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि काफी वक्त से एक हिट फिल्म की तलाश में बैठे अर्जुन की नैया क्या कुत्ते पार लगा पाएगी।